हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल है। कुछ यूनिक चीज बताने वाला हूँ जिसका कि डाउट आप सभी लोग के दिमाग में आ रहा है और काफी लोग मेरे को रेगुलर भेज रहे हैं कि सर मैंने मेंस और एलाइड के सब्जेक्ट्स को फिल किया है और मेरे पास एलाइड के कॉल लेटर्स आ चुके हैं एंड आई एम इंटरेस्टेड टू गो इन एलाइड ब्रांच फॉर इंटरव्यू, नॉट इन द मेन इंटरव्यू। सर इज दैट पॉसिबल? तो यस इट इज पॉसिबल। आप मेंस में मत जाइए, आपके पास अगर दोनों के तीनों के कॉल लेटर्स हैं तो आप सिर्फ एलाइड में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं बिकॉज यू आर एलिजिबल, दैट्स वाई यू हैव रिसीव द कॉल लेटर फॉर दैट डिपार्टमेंट। Now, the second and the main important problem which is revolving round and round around your mind ki after completing your PhD degree from your allied branch, the problem is that kuch log aise hain ki jinka allied branch bilkul hi different hai, wo log science se hain aur allied unka आयुर्वेद से है या फिर किसी और सब्जेक्ट से है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो उन लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि क्या हमको फाइनल डिग्री मेन सब्जेक्ट में मिलेगी या एलाइड में। जैसे मैंने इससे पहले कई बार बताया है कि डिग्री मेन में रहती है और एलाइड भी मेंशन रहता है। तो चलिए आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं विद प्रूफ। जैसे कि देखिए इमेज में लिखा हुआ है कि विद प्रूफ आई विल शो यू कि आपकी डिग्री पे क्या रहेगा। आपको पता करना इसीलिए जरूरी है बिकॉज उसके बाद व्हेन यू विल अप्लाई फॉर द जॉब, आप कहीं जाते हैं अगर उसमें ये चीज डिटेल में लिखी रहती है कि यू आर फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट फ्रॉम एलाइड, सो इट माइट बी पॉसिबल कि वो लोग कंसीडर ना करें या कुछ ऐसा दिमाग में आए कि मैं तो उस डिपार्टमेंट का ही नहीं हूं। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन दिमाग से हटा दीजिए, आपका पीजी ही आपका मेन वो रहेगा। चलिए नाउ दिस इज अ सैंपल डिग्री फॉर यू जिसको आप देख लो कि आप जब पीएचडी खत्म करेंगे इधर फ्रॉम अलाइड और फ्रॉम मेन डिपार्टमेंट देन व्हाट विल बी योर डिग्री एंड व्हाट सेंटेंसेस इट विल रिफ्लेक्ट यू। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये है संस्कृत में, आई कैन नॉट रीड संस्कृत। अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हो तो आप इसको रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है वो है हिंदी में, प्रमाणित किया जाता है कि श्री एक्स वाई जेड को सन 2015 की बायोटेक्नोलॉजी विषय में माइक्रोबायोलॉजी विभाग से इस विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि प्रदान की गई। आई होप दैट इज कंप्लीटली क्लियर। देखिए ये इंग्लिश वाला सेंटेंस मैं आपको बड़े में दिखाता हूं। दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री ए बी सी has been admitted to the degree of doctor of philosophy in the subject of biotechnology. क्यों? क्योंकि आपका जो PG था that is from biotechnology और आपने गलती से admission ले लिया allied branch में which is microbiology। ठीक है, तो उसमें ये चीज mention रहेगा in the subject of biotechnology, मतलब आपका PG का subject from the department of your एलाइड डिपार्टमेंट जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हो, दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ऑफ द 2015। फिर उसके नीचे रहेगा टाइटल ऑफ द थीसिस, वो सिर्फ इंग्लिश में मेंशन रहेगा। उसके नीचे प्लेस रहेगी, डेट किस डेट में, वीसी का सिग्नेचर रहेगा और इसके बैक साइड में जो कन्वोकेशन की डेट होती है वो मेंशन रहती है। तो अब आपको क्लियर हो चुका है और एलाइड में लेने में बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए। इवन माय सजेशन इज दैट कि आपको एलाइड में लेने से बहुत फायदा है बिकॉज आपका मेन डिपार्टमेंट तो वहां दिख ही रहा है, आप एलाइड में भी उसका डिपार्टमेंट का नाम आपके में ऐड हो रहा है। सो इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन माइक्रोबायोलॉजी इन फ्यूचर देन इट विल बी गिव यू अ डबल बेनिफिट दैट यू आर फ्रॉम अ बायोटेक्नोलॉजी, दैट मींस यू आर अ बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नाउ यू हैव डन द बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी बोथ इन पीएचडी। सो इफ Is that okay? So now if this is useful then please like the video and comment जरूर करिएगा। इसके अलावा कुछ आपको पूछना हो तो So thank you, please subscribe the channel और अगर ये information you need because this ऐसी information किसी ने share नहीं की होगी, that is why I'm saying you just like the video।
Thank you. Have a nice day.